गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की जो सरकार है वहां प्रदर्शन करने क्यों नहीं जा रहे, जहां रोज हत्या हो रही है। राहुल बाबा विदेश से इसमें भाषण देने आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षक नियुक्ति को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कमलनाथ 15 महीने की सरकार में 15 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई भत्ता नहीं दिया, दिया हो तो मीडिया में आकर बताएं। सीएम शिवराज नौकरियां दे रहे हैं तो कमलनाथ आंसू बहा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा, नीतीश कुमार के पांव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी उनको यकीन नहीं है, वे बिहार में खुद के दम पर कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। अजीत कुरैशी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर मिश्रा ने कहा कि अजीत कुरैशी सहित कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। कमलनाथ जी भी 15 महीने की सरकार में 15 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, एक नौकरी उनके कार्यकाल में लगी हो तो मीडिया के सामने लाके वो दिखा दे। उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक को दिया हो तो मीडिया के सामने लाके दिखा दे, हमारे को नहीं बताएं। 15,000 लोगों को माननीय शिवराज सिंह जी एक साथ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, पर इसी बात की इनको पीड़ा है कि इनकी सरकार काम कैसे कर रही है। ये तो पूरे समय यही रोना रोते रहे, खजाना खाली मिला है, ताज्जुब है, फिर भी उनको यकीन नहीं। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी बिहार में ही बहुमत नहीं ला पाया हो, कभी अपने बलबूते पे अपनी पार्टी के बलबूते पे बिहार में ही कभी उसने सरकार नहीं बनाई हो, अब ये पलटू राम जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मोदी जी जो एक वैश्विक नेता है उनसे होड़ कर रहे हैं, जो पूरा देश जानता है कि आप इसीलिए आपने ये पलटा जो किया है इसीलिए किया है, और अब ये उनका जो हसीन सपना है वो भी रह जाएगा। वो 50 सीट या कोई भी चाहे जितने विपक्षी दल एक हो जाए, जैसे ही चुनाव आता है तो ये इकट्ठे होते ही हैं, पर इनका अब सुपड़ा साफ होने वाला है। सारे उनने विपक्षी दल की स्थिति बताई है, सारा विपक्षी 50 ला पाएगा। अजीत कुरैशी सहित ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में होंगे, और इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 4 दिन बचे हैं उसमें उसके पहले ही 4 से ज्यादा लोग चले जाएंगे। बीजेपी की बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बैठक नवाचार प्रबोधन निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है। इस बैठक में भी मध्य क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने बाल सुधार गृह में अंडे देने के मामले में कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलने दिया जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव नहीं है और ना ही राजपत्र में आया है। वहीं कमलनाथ की निष्क्रिय नेताओं की सूची पर उन्होंने कहा, पहले कमलनाथ का नाम ही आएगा और ऐसा कमलनाथ करने नहीं वाले हैं। लगातार सतत बैठक, नवाचार प्रबोधन और मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का मिलता रहता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो आज हमारे माननीय जामवाल जी, शिव प्रकाश जी और मुरलीधर राव जी भी तीनों हमारे प्रभारी संगठन के भी ये सभी रहने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है, और न ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला है। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।